देश में बाढ़ और बारिश से बुरा हाल है। कई हिस्सों में मानसून कहर बनकर टूट रहा है। मैदान में तो कुदरत का कहर दिख ही रहा है, पहाड़ी इलाके भी इससे छूते नहीं है। जबरदस्त बारिश के बाद जमीन खिसकने से पहाड़ों पर हाहाकार मचा हुआ है। बड़ी खबर यह है, उत्तर प्रदेश में 17 जिलों में बाढ़ की स्थिति बन चुकी है। करीब 800 गांव बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो वहां पर पहाड़ों पर भारी बारिश से कई जगह सड़कें बंद हो गई हैं, जबकि बिहार में कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। उधर असम में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लाखों लोग असम में प्रभावित है। गुजरात की बात करें तो यहां पर अगले 5 दिनों के लिए कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस समय बाढ़ और बारिश की चपेट में देश के कई राज्य हैं। पहाड़ से मैदान तक जलप्रय से हाहाकार मचा हुआ है। यूपी हो, उत्तराखंड हो, बिहार से लेकर असम, गुजरात तक, हर जगह बारिश से त्राहिमाम मचा है। जगह जगह सड़कों के ऊपर से सैलाब बह रहे हैं। गांव के गांव टापू बन चुके हैं, तो शहर की कॉलोनियों में नाव चलाने की स्थिति बन चुकी है। बाढ़ से कई जिलों में लोगों की मौत हो चुकी है, तो अगले कुछ दिनों तक गुजरात में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं उत्तर प्रदेश में बाढ़ से हाल बेहाल हो चुका है। यूपी के कई शहरों गांव में बाढ़ के पानी ने कब्जा कर लिया है। यूपी की कई नदियां उफान पर हैं। यूपी में नदियों के उफान पर रहने की वजह से सैकड़ों गांव प्रभावित हो गए हैं। उधर तेज बारिश की वजह से नेपाल यूपी बॉर्डर के करीब 7 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। बाढ़ प्रभावित जिलों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। यूपी की सरकार ने बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए 996 राहत शिविर बनाए हैं। वहीं बाढ़ की वजह से सैकड़ों जानवर भी प्रभावित हुए हैं। उधर आपको इटावा जिले की तस्वीरें दिखाते हैं। थोड़ी देर की बारिश ने लोगों को हाल बेहाल कर दिया। ये देखिए तस्वीरें, झमाझम बारिश से मैनपुरी अंडरपास में अचानक पानी भर गया, जिससे गुजरने वाली एक सरकारी बस उसमें फंस गई। अंडरब्रिज में करीब 5 फीट तक पानी भरा हुआ था, उसमें ये बस फंस गई। 20 यात्रियों से भरी बस को करीब 2 घंटे तक मदद के अभाव में पानी में डूबी रही। ये तस्वीरें आपको मिनी बस की दिखा रहे, 20 यात्री यहां पर फंस गए थे। अंडरपास के नीचे 5 फीट तक पानी भरा हुआ, सरकारी मदद नहीं पहुंची, लिहाजा ये यात्री अपनी जान आफत में डाले हुए करीब 2 घंटे तक यहीं पर फंसे रहे। सरकारी मदद मिलने में वक्त लगा और 2 घंटे तक ये यात्री इसी बस में पानी के बीचों बीच फंसे रहे। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं यूपी के मैनपुरी की। थोड़ी देर की बारिश और हाल देखिए, अंडरपास पूरा जो है अंडरपास तालाब बन गया और इसी तालाब में मिनी बस फंस गई। ये मिनी बस में करीब 20 यात्री सवार थे, जो कि 2 घंटे तक सरकारी मदद की राह देखते रहे। अब आपको उत्तराखंड लिए चलते हैं। उत्तरकाशी की तस्वीरें हैं। भागीरथी नदी में पानी अचानक बढ़ने से कुत्ता नदी के बीच में बने टापू पर फंस गया। लहरों के बीच फंसे इस कुत्ते की जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली, फौरन शुरू हुआ इस कुत्ते को बचाने का अभियान। पुलिस ने जोशियारा में झूला पुल से कुत्ते को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और उसे सुरक्षित नदी से बाहर निकाला। एक कुत्ते का रेस्क्यू ऑपरेशन देख रहे हैं। उत्तरकाशी में नदी अचानक उफान पर आ गई, टापू के बीच में फंस गया कुत्ता और उसे यहां पर बचाने के लिए देखिए किस तरीके से अभियान चलाया गया है। बकायदा कुत्ते को रेस्क्यू कर लिया गया है। गिरी के लाल घेरे में आपको कुत्ता दिखा रहे हैं। नदी उफान पर आई, बीचों बीच टापू में कुत्ता फंसा, जानकारी पुलिस को हुई, इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और कुत्ते को सुरक्षित बचा लिया गया। ये भागीरथी नदी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उधर असम में मोरीगांव जिले में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। मोरीगांव जिले के कई गांव डूब चुके हैं। वहां ऐसा कोहराम इस बाढ़ और बारिश ने मचाया कि लोग अपने घरों को छोड़कर कई ऊंची जगहों पर कई दिनों से पना लिए हुए हैं। मोरीगांव में करीब 26,000 लोग इस वक्त बाढ़ से प्रभावित हैं। चारों तरफ जल सैलाब, डूबे हुए घर, पानी में लबालब गांव गलियां और खेत खलियान। असम के मोरीगांव जिले के कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। बाढ़ ने ऐसा कोहराम मचाया कि लोग अपने अपने घरों को छोड़कर कहीं ऊंची जगहों पर कई दिनों से पनाह लिए हुए हैं। यार बहुत प्रॉब्लम है, बहुत बांध पानी हो जाएगा, या खाना ठीक से नहीं खाया और गोरू सागोल या बहुत खतरनाक चीजें होता है।
ब्रह्मपुत्र नदी नीमाटी घाट तेजपुर और धुबरी में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और इस वजह से गांव के जिन रास्तों पर लोग पैदल चला करते थे अब वहां नाव चल रही हैं। मोरीगांव जिले में 26,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, जबकि पूरे असम में 8,00,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। इसके साथ ही असम में 100 से ज्यादा लोगों की मौत बाढ़ की वजह से हुई है। इसके साथ ही असम में हजारों हेक्टेयर फसल भूमि को नुकसान पहुंचा है।